और इसी बीच अरवल से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेशी शराब लोड पिकअप वैन जब्त किया गया है। गाड़ी का ड्राइवर भी इसमें गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना ले जा रही थी शराब की खेप। वहीं एनएच 139 से ये पूरा बरामद किया गया है। अरवल से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। विदेशी शराब लोड पिकअप वैन को जब्त किया गया और इसके साथ ही गाड़ी के ड्राइवर की भी गिरफ्तारी हो गई है। उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं पटना ले जा रही थी ये शराब की बड़ी खेप। आपको बता दें कि एनएच 139 से ये मामला सामने आया है। और कास्ट सर्वे को लेकर देश भर में सियासत गर्मा रही है। कांग्रेस आरजेडी तो देश भर में जातीय गणना कराने की मांग कर रहा है और अब एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इसकी मांग कर सियासत को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। देश भर में जातीय गणना कराए जाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। एनडीए के सहयोगी एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इसकी मांग दोहराई है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। जेडीयू ने भी स्टैंड साफ करते हुए कहा कि बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब ये तय केंद्र सरकार को करना है कि पूरे देश में कास्ट सेंसस कब तक कराया जाए। लेकिन उस समय इंडी गठबंधन के लोगों को तो एहसास हुआ नहीं कि नीतीश कुमार जी ने करके दिखा भी दिया। अब स्वाभाविक रूप से यह सवाल कांग्रेस पार्टी भी अब उठा रही है। अब तो बहुत विलंब हो गया, हम लोगों ने चुनाव के पहले ही इस सवाल को उठाया था। अब चिराग पासवान जी ने उठाया तो उनकी पार्टी का अपना नजरिया है, वो उठा सकते हैं। ये तो धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि जातीय जनगणना जो पूरे देश में होना चाहिए। बिहार से शुरू किया उन्होंने और पूरे देश में होना चाहिए, मांग तो उनका है ही और चिराग जी ने मांगा है तो सही है, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि जातियों की स्थिति की सही जानकारी लोगों को मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही बात कहा और इसके लिए उनको भारत सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार केंद्र सरकार से जातीय गणना कराने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच अब एनडीए के सहयोगी दल भी कास्ट सर्वे कराए जाने की बात सार्वजनिक तौर पर रख रहे हैं। ऐसे में इस साल चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कास्ट वाली सियासत जोर पकड़ सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, संजय कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जातीय गणना की मांग की है, जातीय गणना के समर्थन में बयान दिया है। चिराग के बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने हमला बोला। मान बने हुए हैं जिसके, उसकी विचारधारा तो मनुष्य